दोस्तों बीसीसीआई आज दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड बन गया है। इतना अमीर कि आईसीसी के टोटल रेवेन्यू का 80% तो सिर्फ बीसीसीआई ही कंट्रीब्यूट करता है और सालाना आईसीसी की जितनी कमाई है उससे ज्यादा टैक्स तो बीसीसीआई ही सरकार को दे देती है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे क्रिकेट बोर्ड पर भी जब कभी फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं तब वो बीसीसीआई के साथ मैच खेलना चाहते हैं ताकि उनके क्रिकेट बोर्ड का बैंक बैलेंस भी बढ़े। और दोस्तों ये सब मुमकिन हो पाता है आप जैसे भारतीय क्रिकेट फैंस की बदौलत। लेकिन कैसे ये जानने के लिए बने रहिए आज की इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज हम समझेंगे क्रिकेट की गेम के इस वर्ल्ड को और कैसे बीसीसीआई उसे कंट्रोल करता है ये भी। Facts on your face. दोस्तों आज आईसीसी के इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट मीटिंग में भी बीसीसीआई का सिक्का चलता है और उनके फैसले पर बड़ी से बड़ी क्रिकेट टीम भी उंगली उठाने से पहले 100 बार सोचती है। लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत के रहते हुए भी बीसीसीआई के सिर्फ 2 एक्स्ट्रा टिकट्स मांगने के रिक्वेस्ट को इंग्लैंड ने ठुकरा दिया था, वो भी स्टेडियम में बहुत सी खाली सीट होने के बावजूद। एक वो वक्त था और एक आज का वक्त है जब कई देशों की क्रिकेट फंडिंग बीसीसीआई के कंट्रीब्यूशन के बदौलत ही होती है। इसीलिए सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं बीसीसीआई की गगनचुंबी उड़ान की कहानी। यूं तो बीसीसीआई का इतिहास 90 साल पुराना है, लेकिन उसकी किस्मत की करवट ली साल 1983 में जब भारत ने वर्ल्ड कप को अपने नाम किया, वो भी इंग्लैंड की धरती पर जो खुद को क्रिकेट का बादशाह समझता था। लेकिन फिर सन 87 में भारत ने वर्ल्ड कप होस्ट करके मानो बादशाह के सिर से ताज ही छीन लिया, क्योंकि उससे पहले वर्ल्ड कप सिर्फ इंग्लैंड में ही हुआ करता था और इस वर्ल्ड कप का आयोजन भी इतना आसान नहीं था, उसमें करोड़ों खर्च होने थे और तब बीसीसीआई की जेब में जीतने वाली टीम को देने के लिए कप खरीदने के भी पैसे नहीं थे। इसके अलावा आईसीसी को देने के लिए गारंटी मनी और ट्रेवलिंग से लेकर खाने पीने में ही 20 करोड़ खर्च होने थे। लेकिन वही स्पॉन्सर से मिले पैसे से बीसीसीआई सिर्फ 38 लाख ही जुटा पाई थी। लेकिन दोस्तों बात देश की थी तो उस समय मौजूद राजीव गांधी की सरकार ने मदद की और साथ ही धीरू भाई अंबानी ने भी, जिसने आने वाली टीम के रहने से लेकर खाने तक का जिम्मा उठा लिया, क्योंकि उन्हें इसमें भारत की शान के साथ साथ अपना बिजनेस भी दिखा और उन्होंने वर्ल्ड कप का नाम रिलायंस कप रख दिया और जम के अपनी कंपनी की पब्लिसिटी की। दोस्तों वर्ल्ड कप तो जैसे तैसे हो गया, लेकिन साल 1992 तक बीसीसीआई लगभग 62 लाख का सालाना नुकसान झेल रहा था, क्योंकि उस समय तक उन्हें ब्रॉडकास्टर को भी मैच दिखाने के लिए 5 लाख रुपए देने पड़ते थे। आज राइट्स बेचते हैं, तब राइट्स खरीदा करते थे, लेकिन वक्त बदला और भारत की इकोनॉमी खुलने के बाद भारत में भी ग्लोबलाइजेशन ने एंट्री मारी। इंडिया बड़े बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज की पसंदीदा मार्केट बनती गई, एडवर्टाइजमेंट का दौर चला और टेलीविजन उसका सबसे स्ट्रॉन्ग मीडियम था, तो बीसीसीआई को भी अब ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के पैसे मिलना शुरू हो गए। 1993 में TWI पहला फॉरेन ब्रॉडकास्टर बना, जिसने बीसीसीआई को $6 लाख यानी कि उस समय के हिसाब से करीब करीब 2 करोड़ रुपए का भुगतान किया। जिसके बाद सन 2000 में दूरदर्शन ने 4 साल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के लिए बीसीसीआई को 240 करोड़ रुपए दिए। वहीं आज की बात करें तो ब्रॉडकास्टर बीसीसीआई के T20 और वनडे जैसे एक मैच के ब्रॉडकास्टर राइट के लिए भी 65 करोड़ रुपए देता है और वहीं IPL के पर मैच के लिए भी 55 करोड़ रुपए तक मिल जाते हैं। तो पूरे सीजन का कितना होगा ये आप खुद कैलकुलेट करें। दोस्तों पूरी दुनिया में फुटबॉल के बाद क्रिकेट का ही सबसे बड़ा फैन बेस है, जो नंबर्स में 2.5 बिलियन है और उसमें भी सबसे ज्यादा आप और हम जैसे भारतीय हैं, जिनके लिए क्रिकेट एक धर्म और खेलने वाले खिलाड़ी भगवान बन जाते हैं। ऐसे में एडवर्टाइजमेंट से जनरेट होने वाला रेवेन्यू काफी हद तक भारतीय टीम के ही खेलने या फिर ना खेलने से प्रभावित तो हो जाता है। आईसीसी भी अपनी कमाई कुछ इसी तरह से करती है। दुनिया भर में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट्स के स्पॉन्सरशिप और टेलीकास्ट राइट्स को बेचकर इन सभी चीजों से आईसीसी का नेटवर्थ आज $2.5 बिलियन है, यानी कि 18,500 करोड़ रुपए। और इतने बड़े रेवेन्यू मॉडल में 75 से 80% का कंट्रीब्यूशन सिर्फ अकेले इंडिया की वजह से है। आईसीसी की अच्छी इनकम हो इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि भारतीय टीम की परफॉर्मेंस भी ताबड़तोड़ चलती रहे और वो किसी भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट के लास्ट तक जाए, ताकि 1 बिलियन से भी ज्यादा इंडियंस अपने टीवी और मोबाइल से चिपके रहे और मैच के बहाने ये एडवर्टाइजमेंट्स भी चलती रहे, जिससे मोटे मोटे स्पॉन्सर्स उनके हाथ लगते रहे। वही दोस्तों बीसीसीआई अकेला एक देश का क्रिकेट बोर्ड होकर भी $2 बिलियन की नेटवर्थ रखता है, जो इंडियन करेंसी में
करीब 15,000 करोड़ रुपए के आसपास है, जिसमें आईपीएल का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और कुछ इसी तरह इंडिया का इंटरनेशनल क्रिकेट के ऊपर फाइनेंशियल कंट्रोल है, और इसीलिए हमारा दबदबा क्रिकेट वर्ल्ड में साफ दिखता है। ये कैसे? ये आप पास्ट के कुछ सिचुएशन से समझ सकते हैं, जब आईसीसी को भी बीसीसीआई के सामने नर्म होना पड़ा था। दोस्तों, सन 2008 में आईसीसी ने डीआरएस रूल को सभी मैचेस के लिए मैंडेटरी कर दिया, जिसमें सभी देशों के क्रिकेट बोर्ड्स की सहमति थी, लेकिन बीसीसीआई के अपोजिशन के कारण इसे नॉन मैंडेटरी रूल्स की कैटेगरी में रखा गया, जिसे टूर्नामेंट में खेल रही टीमों की सहमति से ही लागू किया जा सकता है। इसके अलावा सन 2008 में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी सीरीज में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच के दौरान हरभजन सिंह ने एंड्रयू साइमंड्स को रेशियल अब्यूज किया था, जिसके लिए आईसीसी ने हरभजन के ऊपर 3 मैच का सस्पेंशन लगा दिया। लेकिन फिर बीसीसीआई के सीरीज छोड़ के जाने की धमकी के बाद एक नॉर्मल सी पेनल्टी के साथ हरभजन के ऊपर से सस्पेंशन हटा दिया गया। और तो और, कोविड के वक्त जब इंटरनेशनली सभी फॉर्मेट्स में क्रिकेट टूर्नामेंट पोस्टपोन थे, उस वक्त भी भारत की घरेलू टूर्नामेंट्स के आयोजन के लिए आईसीसी ने मंजूरी दे दी थी। एक बात तो आपने भी गौर की होगी कि जब आईपीएल होता है, तब आईसीसी दुनिया में ऐसी कोई भी बड़ी टूर्नामेंट का आयोजन नहीं करती, जिससे बीसीसीआई के इंडियन प्रीमियर लीग पर कोई आंच आए और किसी विदेशी खिलाड़ी को इसमें पार्टिसिपेट करने में प्रॉब्लम हो, क्योंकि इस पूरे सीजन की ब्रांड वैल्यू 50,000 करोड़ से ज्यादा की है, जिससे एट द एंड आईसीसी को भी फायदा ही होता है। इसीलिए आईसीसी भी बीसीसीआई को कोई दिक्कत नहीं होने देता। इन सभी चीजों से क्लियरली पता चलता है कि बीसीसीआई ने फाइनेंस के जरिए आईसीसी के ऊपर अपना पूरा कंट्रोल बरकरार रखा है, लेकिन बीसीसीआई ने कभी अपनी पावर का गलत इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि समय समय पर भारत और भारतीय खिलाड़ियों के लिए अपना स्टैंड ही लिया है। साथ ही क्रिकेट बेहतर कैसे हो, इस पर भी ध्यान दिया, जैसा कि आपने डीआरएस वाले फैसले में देखा ही होगा, जिससे हर देश के खिलाड़ी को मदद मिले। दोस्तों, अब जब रेवेन्यू की इतनी सारी बात हो ही रही है, तो ये भी जान ही लेते हैं कि बीसीसीआई अपने खिलाड़ियों को कितना पैसा देती है। अगर आपको लगता है कि इंडियन क्रिकेटर की सालाना सैलरी सबसे ज्यादा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाईएस्ट पेड प्लेयर्स की कैटेगरी में भारतीय खिलाड़ी दूसरे नंबर पर है। दोस्तों, अब होता ये है कि देश के खिलाड़ियों को अपने बोर्ड के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक सालाना सैलरी मिलती है, जिसमें इंग्लैंड के प्लेयर्स सबसे ऊपर है हाईएस्ट 9 करोड़ से भी ज्यादा सालाना सैलरी के साथ। वहीं भारत इस लिस्ट में सेकेंड नंबर पर आता है, जहां के प्लेयर्स को हाईएस्ट 7 करोड़ रुपए तक सालाना सैलरी मिलती है। इसके अलावा मैच फीस अलग होती है। पर दोस्तों, हमारे देश के प्लेयर्स खेल के अलावा एड से भी करोड़ों कमाते हैं, सिर्फ इंडियन ही नहीं बल्कि आईपीएल में तो विदेशी प्लेयर्स भी इसलिए ही आना चाहते हैं, उनकी एडवर्टीजमेंट से भी मोटी कमाई हो सके। आईपीएल वैसे तो भारत का घरेलू टूर्नामेंट है, लेकिन बीसीसीआई ने उसे ऐसे डेवलप किया है, दुनिया भर के क्रिकेट प्लेयर्स की पहली पसंद बन गई है, जिससे न सिर्फ बीसीसीआई और आईसीसी बल्कि खेलने वाले खिलाड़ियों का भी करोड़ों में मुनाफा होता है। और हम और आप जैसे फैंस की वजह से दुनिया भर के क्रिकेट बोर्ड और खिलाड़ी इतना कमा पाते हैं, उन्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलती, बल्कि मैच के दौरान एड देख लेख कर हम स्पॉन्सर करने वाली कंपनीज को ही फायदा पहुंचाते हैं। हालांकि कुछ ड्रीम इलेवन पर टीम कमाकर भी कमा लेते हैं, लेकिन गंवाने वाले लोग आपको अपने आसपास ज्यादा दिखेंगे। इसके अलावा हमारे देश में 80% से ज्यादा इलीगल बैटिंग इसी क्रिकेट की गेम पर की जाती है, तो इन्हीं कुछ कारणों के चलते बीसीसीआई करता है दुनिया के क्रिकेट पर राज। दोस्तों, क्रिकेट की ये कहानी आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर भी जरूर करना। मैं लेकर आता रहूँगा ऐसी ही और भी मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस। तब तक अपना अपने चहेतों का ख्याल रखें, खुश रहें, और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।